आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ एक्सेली लोडेड मेंबर्स। एक्सेली लोडेड मेंबर्स का हम लोग आज डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, है ना। देखो मान लो हमारे पास इस तरह से एक एक्सेली लोडेड मेंबर। एक्सेली लोडेड मेंबर कहने का मतलब क्या हुआ कि लोड जो है, लोड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग। मान लीजिए इसका एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अलोंग अगर लोड लगता है इसको हम लोग एक्सेली लोडेड मेंबर बोलते हैं। ये लोड कंप्रेशन हो सकता है, ये लोड टेंशन में हो सकता है, बट जो लोड एक्सिस के अलोंग लगेगा दैट लोड इज नॉन एज एक्सियल लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड। पहले भी बात कर चुके हैं इस संबंध में हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका लेंथ ले लेते हैं कि ये जो है इसका लेंथ एल है, ठीक है। अब यहाँ देखना चाहते हैं कि फोर्स क्या लग रहा है, ठीक है। तो इस मेंबर को हम कट करके यहाँ पर देख रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जो भी हम लोग बातें करेंगे वो इक्विलिब्रियम की बातें करेंगे, हम लोग जो भी बातें करेंगे वो सारा बात हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे बात होगा। जब हम लोग बात इक्विलिब्रियम पे करेंगे तो ये जो लोड यहाँ पर लग रहा है, पी जो लोड लग रहा है, ये अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, अगर ये पूरा डिफॉर्म नहीं कर रहा है विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो इस मेंबर पर भी फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा होगा, पी लग रहा होगा, क्योंकि रेसिस्ट अगर ये नहीं करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ फोर्स क्या लग रहा होगा, पी लग रहा होगा। सो यहाँ फोर्स क्या लग रहा होगा, पी लग रहा होगा। सो इस मेंबर पर भी फोर्स क्या लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है ना। तो यहाँ पर पी पी फोर्स लग रहा है इस मेंबर का। हम लोग यहाँ पर मान लिए कि थिकनेस कितना है, डी एक्स है। सो थिकनेस ऑफ दिस मेंबर इज डी एक्स। अब इसको जब यहाँ पर कट करेंगे तो ये देखिए वेरी कर रहा है, इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो ए एक्स मान लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और इसका यहाँ से डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स। तो एक्स डिस्टेंस पे जो है ना, उस पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, ए एक्स हो गया। सो हम लोग डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग ई इक्वल टू जानते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया इंटू डेल एल बाय एल। तो डेल एल कैन बी कैलकुलेटेड हियर, ई ए बाय पी एल, सॉरी फार्मूला गलत लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग ई इक्वल टू क्या जानते हैं, हम लोग ई इक्वल टू जानते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया फोर्स। सो डेल एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एल बाई ए। तो दिस विल बी डिफ्लेक्शन। अब अगर हम लोग तो देखिए क्या है कि हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल टू पी एल बाई ए डेल एल। यहाँ से आपका डिफॉर्मेशन आ गया, डेल एल इक्वल टू पी एल बाई ए, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लोग इस छोटा सा एलिमेंट के लिए, इसका थिकनेस क्या है, डी एक्स है, हम लोग लिखेंगे डेल एल इक्वल टू पी, फोर्स तो पी लग रहा है इस पर, और इसका थिकनेस क्या है, डी एक्स है। सो दिस इज डी एक्स बाई ए एक्स इंटू ई। अब इसको बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल एल का इंटीग्रेशन आपको डेल्टा एल मिल जाएगा, एंड दिस इज पी डी एक्स बाई ए एक्स इंटू ई। इस प्रकार से आपको यहाँ से डिफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। ये डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, जीरो से लेके एल तक करेंगे, क्योंकि डी एक्स जो है आपका वो वेरी करेगा जीरो टू एल, है ना। अब हम लोग इन चीज़ों को और देखते हैं दूसरे तरीके से क्या हो सकता है। हम लोग इस एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए आप इसका, ठीक है। अब देखो, अब एक होता है प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार। पहले प्रिज्मेटिक मतलब समझ लीजिए, प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, है ना। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है वो समझना जरूरी है। उसको किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है हमारे पास,
तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, है ना। तो जिस मेंबर का क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहेगा, है ना, जिस मेंबर का क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहेगा, उस बार को हम लोग प्रिज्मेटिक बार कहेंगे, है ना। तो प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या हो गया, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको हम लोग प्रिज्मेटिक बार कहेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रिज्मेटिक बार है आपका। या दूसरे प्रकार से आप दूसरे ये में भी सोच सकते हैं कि प्रिज्मेटिक बार क्या होगा। देखिए जैसे कि हमारे पास ये है ना, ये है, हमने यहाँ पर फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये फिक्स है, मान लो ये जो है क्रॉस सेक्शन फिक्स है आपका। तो ये जो है ना क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये चेंज नहीं होना है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कांस्टेंट होगा। तो आपको समझना है कि ये बार कैसा है, प्रिज्मेटिक बार। मान लेते हैं इस प्रिज्मेटिक बार पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है पी, इधर टेंसाइल फोर्स लग रहा है पी, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मान लिया हमने ए है, और ये सर्कुलर है ना, सर्कुलर है। इसका डाया हमने मान लिया कि डाया जो है वो कैपिटल डी है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं, इस मेंबर का लेंथ हमने मान लिया एल। तो डिफ्लेक्शन का हमने फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा एल इक्वल टू आप लिख सकते हो पी एल बाई ए। हमने यहाँ पर सर्कुलर केस लिया है, सर्कुलर सेक्शन के लिए, फॉर सर्कुलर सेक्शन, और सर्कुलर सेक्शन डेल एल बराबर क्या हो जाएगा, पी एल बाई। तो आप डेल्टा एल बराबर क्या लिख सकते हैं, पी हो गया फोर्स, एल हो गया लेंथ, इसको लिख सकते हैं पाई बाई फोर इंटू डी का स्क्वायर इंटू ई। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन। अब किसी भी मेंबर में जो प्रिज्मेटिक बार होगा, उस प्रिज्मेटिक बार का हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। हम लोग जो भी बातें करेंगे अभी प्रिज्मेटिक बार के बारे में बात करेंगे, और प्रिज्मेटिक बार में हम लोग किस प्रकार से हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं वो हम लोग यहाँ से देखेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन प्रिज्मेटिक बार। नॉन प्रिज्मेटिक बार मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होते रहेगा, उसको नॉन प्रिज्मेटिक बार हम लोग कहेंगे। तो जो फार्मूला हमने लिखा था अभी, डेल एल इक्वल टू पी इंटू डी एक्स बाय ए एक्स इंटू ई का इंटीग्रेशन जीरो से एल, ये जो फार्मूला एप्लीकेबल है, ये जो फार्मूला है ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल है ना, एप्लीकेबल फॉर, एप्लीकेबल प्रिज्मेटिक, एकदम ठीक आते हैं आप। क्या है ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था, डेल एल इक्वल टू पी डी एक्स बाई ए एक्स इंटू ई जीरो से एल तक, ये एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल फॉर प्रिज्मेटिक एज वेल एज नॉन प्रिज्मेटिक बार, नॉन प्रिज्मेटिक बार, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग इस पे कुछ और काम करते हैं, एक बार आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम लोग इस पे देखते हैं, नया नया चीज देखते हैं किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इस प्रकार के, इस तरह के क्वेश्चन में आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक थ्योरम देखते हैं, दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग किसे कहेंगे, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मेंबर, according to this principle, according to this principle, इस principle के according, है ना, if member is subjected to various loading, then अगर किसी एक मेंबर पे बहुत सारा लोड अप्लाइड हो रहा है, then the resultant deformation will be equal to
will be equal to the algebraic sum of the deformation by the individual forces acted on the member। कहने का मतलब है कि अगर एक मेंबर पे एक से ज्यादा फोर्स लगता है ना, एक से ज्यादा फोर्स लगता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक मेंबर ले लिया है, ये इस तरह से है, इस पे फोर्स लग रहा है P, इधर P1 लग रहा है, इधर P2 लग रहा है, इधर मान लो P लग रहा है, ये डिस्टेंस हो गया L1, ये डिस्टेंस हो गया L2, ये डिस्टेंस हो गया L3, तो इन सारे का जो डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा L1, इनका जो डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा L2, इनका जो डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा L3। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी मेंबर पर वेरियस लोडिंग लग रहा है, मतलब बहुत सारे लोड्स यहाँ पर लग रहे हैं, है ना, अगर वेरियस लोडिंग यहाँ पर लग रहा है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये है कि इन सारे में जो डिफॉर्मेशन होगा अलग अलग लोड के कारण, यहाँ पर इस पे जो लोड लगेगा उसके कारण डिफॉर्मेशन, यहाँ पर इसके कारण डिफॉर्मेशन, फिर यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होगा, इन सारे के कारण जो डिफॉर्मेशन होगा वो टोटल डिफॉर्मेशन के बराबर होगा, टोटल डिफॉर्मेशन। अरे यार आज पढ़ाएंगे कि नहीं, मेरे क्लास में पकड़ा है अभी भी, जानता है ज़्यादा ब्राइट है, बहुत फैल जा रहा है। सुपरपोजिशन क्या बता रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता रहा है कि किसी एक मेंबर पे अगर वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं, तो उन वेरियस फोर्सेस का जो रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन होगा वो इंडिविजुअल फोर्सेस के रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। और ये लॉ जो है तभी अप्लीकेबल होगा जब जो है आपका क्या होगा कि हुक्स लॉ अप्लीकेबल होगा, है ना। तो दिस प्रिंसिपल या इट इज अप्लीकेबल, इट इज अप्लीकेबल व्हेन देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट इज हुक्स लॉ इज अप्लीकेबल, हुक्स लॉ इज अप्लीकेबल। जहां तक हुक्स लॉ आपका अप्लीकेबल होगा वहीं तक ये लॉ अप्लीकेबल होगा, है ना। अब इस लॉ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तब हम लोग को पता चलेगा, है ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, है ना, एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहां से, ठीक है। ऐसा हमारे पास एक मेंबर है ना, और यहां पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरह से ये है, इस पे फोर्स हम लोग कुछ इस प्रकार से लगाए हुए हैं, कैसे लगाए हुए हैं देखिए, एक फोर्स इधर लगाए हुए हैं 80 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन का, है ना, 50 किलो न्यूटन का एक फोर्स यहां लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर 15 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और फिर जो है 10 किलो न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया हुआ है, 10 किलो न्यूटन, और फिर यहां जो फोर्स लग रहा है वो है 45 किलो न्यूटन का, 45 किलो न्यूटन का, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए A B C D,
इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोल रहा है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 500 mm² है। यहाँ इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। आपको बोल रहा है कि टोटल इलोंगेशन निकालना है, है ना। ई वी वैल्यू दिया हुआ है, ई इज गिवन 2 × 10^6 न्यूटन पर mm². ये वैल्यू आपको ई का दे रखा है, ठीक है ना। ई का वैल्यू 2 × 10^5 है ना, 2 × 10^5 न्यूटन पर mm² है, स्टील है इसका मतलब, ठीक है। फाइंड टोटल इलोंगेशन, फाइंड टोटल इलोंगेशन, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझना है आपको कि किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करें, है ना। इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि किस प्रकार से ये सॉल्व हो, तो कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। इस मेंबर को हम यहां बना रहे हैं, है ना, इस मेंबर को हम यहां पर बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये हमने ले लिया, क्या ले लिया, ए बी को, ठीक है ना। ए बी, आप देखिए इधर फोर्स क्या लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है 50 kN, है ना। और इन सबका लेंथ भी दिया हुआ है, 0. लेंथ इज गिवन 0.6 m, इसका लेंथ दिया हुआ है 1 m, और इसका लेंथ दिया हुआ है 1.25 m। तो आपको ये लेंथ भी दे रखा है, है ना। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, 50 kN का फोर्स इस पर लग रहा है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग बात करेंगे, जब भी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पढ़ेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। जो भी बातें कर रहे हैं वो कहाँ के लिए हो रहा है, इक्विलिब्रियम के लिए बातें हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम केसेस को सोचना है आपको। तो ये जो आपका मेंबर है, इस मेंबर पर जो भी फोर्स होगा, इस मेंबर को इक्विलिब्रियम में लाना है। तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जब 50 kN का फोर्स इसके ऊपर हम लोग इधर लगा दें। अब ये जो 50 kN का फोर्स लगा है यहाँ पर, ये 50 kN का फोर्स मतलब हमने इधर लगाया, ये हमने लगाया इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो इस 50 kN को कैंसिल करने के लिए भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज 50 kN। ये 50 kN को हमने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। अब दूसरा मेंबर पे कौन सा फोर्स लग रहा है उसको हम लोग समझते हैं, है ना। दूसरा मेंबर पे कौन सा फोर्स लग रहा है हम लोग उसको समझते हैं। दूसरा मेंबर क्या है हमारे पास, दूसरा मेंबर हमारे पास है BC। अब देखिए इसका लेंथ था 0.6 m। अब यहाँ देखिए क्या है, 50 kN यहाँ आ गया। अब इस पर कौन सा बच रहा है, 50 kN इस डायरेक्शन में बच रहा है, और 15 kN इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो 15 kN इधर लगा हुआ है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 50, देखिए इधर 50 लग रहा है और इधर 15 लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, एंड दैट विल बी 35 kN। तो आप बी पर जो है, इस बी सी मेंबर पे इधर 35 kN का फोर्स आप लगा दो। अब इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, जैसे इक्विलिब्रियम में करना चाहेंगे तो जो फोर्स यहाँ लग रहा है वो फोर्स इधर भी लगेगा, सो द फोर्स विल बी 35 kN इन दिस डायरेक्शन, एंड द लेंथ ऑफ दिस इज 1 m। अब हमने क्या किया कि 35 kN यहाँ लगा दिया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, और इसको कैंसिल करने के लिए 35 kN इधर लगेगा, क्योंकि पहले से जो फोर्स यहाँ लग रहे थे 10 N, 15 N, 45 N या 50 N, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए था। अब ये इक्विलिब्रियम में था, लेकिन हम इस तो इसको इक्विलिब्रियम में लाना है। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमने क्या किया, 35 kN लगा दिया यहाँ, इधर 35 kN आया था यहाँ से कैलकुलेट करके। तो अब ये 35 kN को कैंसिल करने के लिए इधर 35 kN लगाना पड़ेगा। ये फोर्स को हमने कहाँ दिखाया, यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 35 kN और 10 N, इसलिए तीसरा वाला हम लोग पार्ट में जाएंगे। तो थर्ड में जब जाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी डी। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 35 था और ये 10 था, तो कितना लग रहा है इस पर, यहाँ 45 लग रहा है, 45 kN।
तो दिस विल बी अगेन 45 किलो न्यूटन। देखिए जो फोर्स आपको दे रखा था लास्ट में 45 किलो न्यूटन, देखिए डी पर डी सरफेस पे वही 45 किलो न्यूटन आ गया। यहाँ पर जो दे रखा था 50 किलो न्यूटन वो आ गया। मतलब ये हमारा पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा जो बॉडी है हमारा, हर पार्ट जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह जब आप काटने सीख जाओगे, जब इस तरह से आप इसको डिवाइड करने सीख जाओगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है ना। अब इनका जो है अलग अलग, यहाँ पर ये हो गया P1 मान लो इसको, इसको मान लो P2, इसको मान लो P3। तो आपके पास तीन फोर्सेस है, सारे बॉडी सारे एलिमेंट पे सारे कंपोनेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन लग रहा है, सारे पे जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, सारे पर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो हर एक मेंबर आपका टेंशन में। इसका लेंथ मान लो आप L1, इसका लेंथ आप मान लो L2 और इसका लेंथ मान लो आप L3। तो आप डिफॉर्मेशन निकालो हर का इंडिविजुअल, आप डेल्टा एक एल एक बार में लिखो, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ठीक है। और डेल्टा L1 बराबर क्या लिख सकते हैं, P1 L1 बाय A1 E, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज हुआ नहीं है, दिस इज P2 L2 बाय A2 E एंड दिस इज P3 L3 बाय A3 E। लेकिन आप देखिए एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 500 mm² दिया हुआ है, मतलब ये एक प्रिज्मेटिक बार है और प्रिज्मेटिक बार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये कॉमन हो जाएगा, सारा एरिया सेम है, सिंस A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर हमने मान लिया A, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो डेल्टा L यहाँ हम लोग निकालते हैं, क्या निकलेगा, तो डेल्टा L इक्वल टू आ जाएगा क्या, 1 बाय AE, इधर हो जाएगा P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3, ठीक है। अब देखिए E का वैल्यू जो है न्यूटन पर mm² में दिया हुआ है, इसलिए आपको सारे फोर्सेस को न्यूटन में लाना होगा और एरिया को आपको mm² में ही दिया हुआ है, यहाँ भी mm² दिया, तो लेंथ को आपको चेंज करना होगा mm में। तब इसका वैल्यू रख लीजिए आप 1 बाय 500, एरिया इज 500, E इज 200, 2 × 10^5, फोर्सेस जो है वो आप किलो न्यूटन में बदलेंगे, किलो न्यूटन को न्यूटन में दिया 10^3, 10^3, 10^3, 10^3, 10^3, आप मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो 10^3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, इनटू इन सारे लेंथ को आप mm में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10^3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो कॉमन हो जाएगा। तो फोर्स P1 क्या हो जाएगा, 50 और L1 हो जाएगा 0.6, फोर्स आपका हो गया 35 और L2 हो गया आपका 1 प्लस 45 × हो गया 1.25, तो 10^5 ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज 1 बाय 100 एंड दिस इज 30 प्लस 35 प्लस 45 × 1.25, आप कर लो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या आ रहा है, 45 × 1.25 आप करेंगे यहाँ से तो क्या वैल्यू मिल जाएगा आपको, करिए आप तो 10 45 10 55 55 और 57.56.2625 है ना, ये आपको आ गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ये हो गया 65, अब इनको पूरा जोड़िए आप, 65 मतलब हो गया 1811.8.25 / 100, सो दिस इज 1:1, सो दिस इज 1.21 mm, सो दिस इज द टोटल डिफॉर्मेशन। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हाँ इसमें डीसी में 35 कैसे हुआ ये नहीं जानना है आपको। देखिए डीसी में क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 35 आया, तो इधर भी हम लोग ये
तो यहां कुछ नहीं था, यहां देखिए 50 किलो न्यूटन लग रहा था, यहां भी हमने 50 किलो न्यूटन लगा दिया, ये 50 किलो न्यूटन यहां पर लगा हुआ दिख रहा है। अब इसको कैंसिल करने के लिए 50 किलो न्यूटन इधर लगाना होगा, इस 50 किलो न्यूटन को हमने यहां शो किया था, ये 50 किलो न्यूटन जो है और यहां 15 किलो न्यूटन है, ये 50 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, 15 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, रिजल्टेंट 35 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में आएगा। तो हमने यहां पर क्या लगाया, रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स लगाया 35 किलो न्यूटन। अब यहां 35 किलो न्यूटन लगाया, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इधर भी 35 किलो न्यूटन हम लोगों को लगाना पड़ेगा। अब ये 35 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाया, हमने यहां पर लगा के दिखाया है, इसको अपोज करने के लिए इधर 35 लगेगा, तो ये हमने यहां शो किया, तो यहां पर 10 और 35 मिलके कितना बचा, 45 बचा, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 45 हम लोग लगाए, और सभी टेंशन में था इसलिए सभी ऐड हो गए, ठीक है। अब इस तरह से आप देख सकते हो, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, है ना, इस तरह का फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है, ये तीन चार फोर्स हमने यहां पर लगाए हैं, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में है, और ये फोर्सेस हम दे रहे हैं आपको 40 किलो न्यूटन। नाउ नेक्स्ट फोर्स इज 20 किलो न्यूटन, इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये गड़बड़ हो गया है, इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर देते हैं आपको, ये डायरेक्शन ऐसा हम लोग ले रहे हैं, है ना, ये 10 किलो न्यूटन है, एंड नाउ नेक्स्ट इज 30 किलो न्यूटन, ये आपको फोर्सेस दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज 400 एमएम लेंथ, 400 एमएम, दिस इज 300 एमएम, एंड दिस फोर्स इज, दिस लेंथ इज 400 एमएम, ये प्रिज्मेटिक बार है, दिस इज ए प्रिज्मेटिक बार, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये गिवन है, दिस इज 400 एमएम स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन 400 एमएम स्क्वायर, ठीक है। आपको बताना है क्या कि व्हाट इज द स्ट्रेस एट सेक्शन 11, व्हाट इज द स्ट्रेस एट सेक्शन 11 पे आपको स्ट्रेस बताना है कि स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है, क्या सेक्शन 11 पे आपको स्ट्रेस बताना है, हाउ मच स्ट्रेस इज डेवलप्ड एट सेक्शन 11 पे स्ट्रेस क्या डेवलप हो रहा है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे ये सॉल्यूशन होगा, कोई बता सकता है क्या, बता सकता है कोई,
देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, आप देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, आप सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। आप इस सेक्शन में पूछ रहा है, यहाँ पर फोर्स देखना है आपको, है ना? ठीक है, आपको कौन सा सेक्शन में पूछ रहा है? सेक्शन 1-1 पे, सेक्शन 1-1 पे आपको पूछा जा रहा है। देखिए आप, हमने क्या बोला था आपको, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो दिस विल बी 40 किलो न्यूटन, इधर से भी फोर्स लगेगा कितना, 40 किलो न्यूटन। अब बाकी को आपको सोचना नहीं है क्योंकि बाकी पे कोई क्वेश्चन है नहीं, ये है। अब यहाँ पर अगर देखें हम लोग इस सेक्शन पे देखें, तो ये 40 किलो न्यूटन इधर से लगेगा, तो ये सेक्शन भी क्या करेगा, अपोज करने के लिए 40 किलो न्यूटन फोर्स लगाएगा। दिस सेक्शन एक्स व्हाट, हाउ मच फोर्स, 40 किलो न्यूटन। जितना फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो उतना ही फोर्स ये लगाएगा। अगर इसको अपने आप को रेसिस्ट करना है, अपने आप को रोकना है, तो आपको क्या करना होगा कि इतना ही फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा। 40 किलो न्यूटन फोर्स विल बी एक्ट, 40 किलो न्यूटन का ही फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो इस सेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया आपका 40 किलो न्यूटन। तो दिस इज 40 × 10³ न्यूटन। क्लियर? एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवेन, द क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवेन 400। तो आप स्ट्रेस बराबर जानते हो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। सो दिस विल बी 40 × 10³ / 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप देखिए लग रहा है कि 100 newton per mm square आंसर आ गए। तो दिस इज द आंसर, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, समझ में आ गया? हाँ बोलिए। ठीक है, अब देखो कि इसी प्रकार से आप मान लेते हैं कि सेक्शन को हम भैरी करवा दें। हाँ बोलिए। हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको देखना है इस सेक्शन पे फोर्स कितना लग रहा है। इस सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से 40 लग रहा है, इधर से 40 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है ना, किसी को कोई डाउट है? नहीं है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मान लेते हैं कि बहुत सारा सेक्शन है जो अलग अलग मतलब वायरिंग सेक्शन है, प्रिज्मेटिक बार्स नहीं है, है ना, क्या है, वायरिंग सेक्शन है, वैरी कर रहा है सेक्शन। मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का सेक्शन हमारे पास है, ठीक है ना, इस प्रकार के सेक्शन हमारे पास है। इस प्रकार का सेक्शन हमारे पास है ना, अलग अलग सेक्शन हमारे पास यहाँ पर है जिसमें अलग अलग फोर्सेस लग रहा होगा। तो मान लो यहाँ पर P1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पर P2 फोर्स लग रहा है, यहाँ मान लो P3 फोर्स लग रहा है, और यहाँ मान लो P4 फोर्स लग रहा है। इसका लेंथ L3 है, इसका लेंथ L2 है, इसका लेंथ L1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A3 है ना, सब अलग अलग क्रॉस सेक्शन। डिफ्लेक्शन निकालना कुछ बड़ा चीज नहीं है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन याद कीजिए आप। इसके लिए आप निकालिए डेल्टा L1 + डेल्टा L2 + डेल्टा L3, सबके लिए अलग अलग डिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस इज P1, L1 अभी तो लिखा था हमने, A1, और मान लो कि सभी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग है। सपोज कर लो आप कि सभी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग है, तो P1 / L1 / A1 × E1 + P2 × L2 / A2 × P2 + P3 / L3 / A3 × E3। सो इस प्रकार से आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, अलग अलग सारा का डिफ्लेक्शन यहाँ से निकल जाएगा, है ना। इस पे बेस्ड हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो आप। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहां पर करते हैं ना, बोलिए। हैं क्या,
अलग अलग क्यों नहीं प्रिज्मेटिक बार है, अलग अलग तो प्रिज्मेटिक बार है सारा, अलग अलग ही देखेंगे। ये तीन बार आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस पे फोर्सेस लग रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, फोर्सेस लग रहा है कुछ इस प्रकार से। क्या लग रहा है यहाँ पे, लग रहा है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। इसका लेंथ है 1000 mm एंड डाया इज गिवन 25 mm, 25 mm, ठीक है। सेकेंड बार का जो लेंथ है वो है 600 mm, 600 mm, ठीक है। उसके बाद इसका डाया जो है वो है 50 mm एंड फोर्स पी इज आल्सो एक्ट एट दिस पॉइंट पी, और इधर है 40 किलो न्यूटन। इसका डाया दिया हुआ है 30 mm एंड लेंथ इज गिवन 800 mm, 800 mm एंड द फोर्स पी इक्वल टू 60 न्यूटन इज आल्सो एक्ट इधर, एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ऑल द मटेरियल इज सेम, दिस इज 2 × 10^5, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉमन, 2 × 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्लियर। तो डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन ऑफ द मेंबर, आपको बोला जा रहा है कि टोटल इलोंगेशन ऑफ द मेंबर को आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन टोटल इलोंगेशन ऑफ द मेंबर, ऑफ द मेंबर, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं हम, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा इस फिगर से, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारा डायग्राम आपको दे दिया और आपको बोलेगा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, है ना। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको ये पूरा डायग्राम दे देगा और क्वेश्चन में कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जब कोई एक फोर्स को अननोन कर दे यहां पर, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको बार बार बोल रहे हैं, पहला क्लास से बोल रहे हैं कि जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन एवर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ऑलवेज थिंक अबाउट द इक्विलिब्रियम। आपको हमेशा इक्विलिब्रियम के अबाउट सोचना है, सिर्फ सोचना है कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो जैसे ही बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू जैसे ही निकालने बोला, तो आपको तुरंत सोच लेना है कि ये जो हमारा बॉडी है, ये पूरा का सिस्टम जो बॉडी का बना हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में है। तब इसको इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग सोचते हैं, तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, आपको इक्विलिब्रियम में सोचना है। तो फॉर इक्विलिब्रियम आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम में आपको क्या मिलना चाहिए, नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये 10 किलोन्यूटन इधर लग रहा है, 50 किलोन्यूटन इधर लग रहा है, यानी 10 और 50 किलोन्यूटन एक डायरेक्शन, सॉरी 10 और 40 किलोन्यूटन जो है एक डायरेक्शन में लग रहा है। तो 10 + 40 एक डायरेक्शन में लग गया इस डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव मान लिए, इधर वाला को नेगेटिव मानेंगे, जीरो करना है तो उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी प्लस 16। इस प्रकार से ये 50 हो गया, सो पी इक्वल टू 34 किलो न्यूटन। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो देन इट बिकम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये आ गया आंसर 34 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अब पी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन निकालना है तो सारे पे हम लोग को फोर्सेस देखना पड़ेगा। एट फर्स्ट नेम दिस ए बी सी एंड डी। अब क्या करना है, सबको आपको ले जाना है कहाँ पर, इक्विलिब्रियम में ले जाना है। इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए पहला पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं ए बी। अब क्या कीजिए, इधर फोर्स लग रहा है 10 किलो न्यूटन, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला मेंबर में तो सोचना ही नहीं है। दूसरा फोर्स यहाँ जिस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ अगर कंप्रेसिव लगेगा तो यहाँ भी कंप्रेसिव लगाना है, यहाँ टेंशन लग रहा है तो यहाँ टेंशन लगा देंगे, 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिए, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब 10 किलो न्यूटन आपने यहाँ पर लगा दिया है इस डायरेक्शन में, इस 10 किलो न्यूटन को बैलेंस करने के लिए आपको इधर एक 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप 10 किलो न्यूटन लगाए, इस 10 किलो न्यूटन को आपने यहाँ शो किया है, तो ये 10 किलो न्यूटन और ये 34 किलो न्यूटन, इसका रिजल्टेंट निकालिए, 24 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लगेगा।
तो आप बी सी का अगर डायग्राम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो बी सी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, बी सी इसका 24 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, आप इस पर भी दूसरा डायरेक्शन में आप अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में 24 किलो न्यूटन का फोर्स आप लगा दो। यहाँ पर आपने क्या किया कि 24 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाया है, तो ये 24 किलो न्यूटन को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इधर से 24 किलो न्यूटन लगाना पड़ेगा। इस 24 किलो न्यूटन को आपने यहाँ पर शो किया है, ये 24 किलो न्यूटन और ये बच रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा 40 किलो न्यूटन माइनस 24 किलो न्यूटन, सो द रिजल्टेंट विल बी 16 किलो न्यूटन, 16 किलो न्यूटन हो जाएंगे और इधर भी 16 किलो न्यूटन आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फोर्स लिखा हुआ है दैट फोर्स शुड बी कम एट हियर, इस पॉइंट पे ये फोर्स आना चाहिए। अब देखिए ये सब आ गया, अब आपको P मिल गया, दिस इज P, ये क्या है, टेंसाइल है, इसको P1 मान लीजिए, या टेंशन में है ना, इसको P2 मान लीजिए, ये आपका कंप्रेशन में है, और ये जो है ये भी टेंशन में है, इसको आप मान लीजिए P3। तो सारे फोर्सेस हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक ना, ऑल फोर्सेस हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब जब सारे फोर्सेस यहाँ पर आ गए तो अब आपको कुछ नहीं है, L1 इसका पता है आपको, L2 आपको पता है इसका, और इसका L3 पता है, सॉरी इसको L2 माना है हमने, इसको L3 माना है, तो लेंथ आपको पता है, लेंथ इज गिवन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकाल सकते हैं, डाया इज गिवन, D1 डाया गिवन है, D2 डाया गिवन है, D3 डाया गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट द डाया। तो फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा L, डेल्टा L बराबर जाएगा डेल्टा L1, दिस इज इन टेंशन, तो टेंशन के लिए पॉजिटिव लेंगे, और ये जो है कंप्रेशन में है, सो टेक इट इज नेगेटिव, और ये फिर टेंशन में है तो टेक इट इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव फॉर टेंशन, टेंशन के लिए पॉजिटिव, टेंशन के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर टेंशन, ठीक है। तो आप ये अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम हियर, क्लियर है। कहाँ रहता है जब बताते हैं तब, सॉल्व करो ना इसको, ये सॉल्व नहीं होगा, फिगर सही बताए थे, कहाँ रहता है, देखिए 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में लग रहा है, 40 किलोमीटर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो 40 प्लस 10 50 एक डायरेक्शन में है, P इधर लग रहा है, तो P प्लस 16 एक डायरेक्शन में, दोनों इक्वेट होना चाहिए तभी ये बैलेंस होगा, हमने वो बैलेंस कर दिया। इस प्रकार से आप सुपरपोजिशन का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर पता चलेगा कि क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है ना, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है सॉल्व, ठीक है ना। तो आपको इसको घर में बनाना है, अलग अलग क्वेश्चंस को देखना है, बनाना है, ठीक है। अब देखो हम लोग और कुछ चीज़ें देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिफ्लेक्शन ना, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ बार, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के कारण हम लोग यहां पर बार का डिफ्लेक्शन देख रहे हैं। पहला केस फर्स्ट, ठीक है, हम लोग एक बार ले रहे हैं प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। जैसे प्रिज्मेटिक बार बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, प्रिज्मेटिक बार जैसे ही बोलेंगे हम लोग तो आपको समझ जाना है कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो हम लोग एक प्रिज्मेटिक बार ले लिया हमने यहाँ पर, तो प्रिज्मेटिक बार हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब जो है इसको मान लेते हैं हम लोग इधर फिक्स कर दिए, इसका लेंथ जो है वो एल है ना, इस बार का लेंथ हमने क्या ले लिया, L ले लिया, ठीक है। और अब देखिए इनका एक वेट होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप ले लो, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया A, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या मान लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया A। अब क्या है, इनका जो वेट लग रहा है ना, उस वेट के कारण इसमें क्या डिफ्लेक्शन होगा हम लोगों को ये देखना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के कारण जो है
डिफ्लेक्शन क्या होगा हम लोगों को जानना है, ठीक है ना। सेल्फ वेट के कारण क्या है, डिफ्लेक्शन क्या होगा हम लोगों को वो जानना है, ठीक है ना। तो सेल्फ वेट से निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट गामा, गामा बराबर यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का यूनिट वेट मान लिए। यूनिट वेट का मतलब क्या हुआ, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वेट का मतलब हो गया वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम के लिए हमने वेट मान लिया गामा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ये वेट जो है ओवरऑल अलग होगा, इसलिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट कट कर लेते हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस के ऊपर, इसका हम लोग थिकनेस ले लेते हैं डी एक्स। सपोज द थिकनेस ऑफ दिस इज डी एक्स, हमने क्या ले लिया, थिकनेस ले लिया यहाँ पर डी एक्स, थिकनेस हमने ले रखा, ठीक है। अब इस पर क्या फोर्स लगेगा, ये जो डी एक्स सेक्शन है हमारे पास, ये जो डी एक्स सेक्शन है, इस डी एक्स सेक्शन पे कौन सा वेट लगेगा, तो वेट लगेगा इसके नीचे जो ये बॉडी है ना, इसके नीचे जो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो वेट होगा वही इसके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर जो वेट होगा दैट इज द वेट ऑफ बार है ना, इसका नाम दे देते हैं कुछ सी डी, तो वेट ऑफ बार बिलो सी डी के नीचे जो है, इस सेक्शन सी डी सेक्शन के नीचे जो बार है हमारा, उसका जो वेट है वो इस पर लगेगा। ये W लगा तो इसको बैलेंस करने के लिए भी W इधर लगेगा है ना, ठीक है, W इधर लगेगा। DX इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है क्योंकि प्रिज्मेटिक बार है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर क्या होंगे, फिक्स होंगे, कांस्टेंट होंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, तो डिफ्लेक्शन ऑफ एलिमेंट्री है ना, ये एलिमेंट्री हो गया, छोटा लिखा हुआ है, छोटा काटा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एलिमेंट्री के नाम से जानेंगे। तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डेल इक्वल हो जाएगा, फोर्स क्या लग रहा है, डब्लू इंटू लेंथ कितना है इसका डीएक्स, एल कितना हो गया डीएक्स बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया है ए, इंटू ई। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वेट, इसका वेट क्या होगा डब्लू, तो वेट क्या होगा, वेट हमने क्या बताया, गामा हमने माना है यूनिट वेट, तो वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, गामा इंटू वॉल्यूम, गामा इसका वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इंटू लेंथ कितना हो गया एक्स हो गया, सो दिस इज डब्लू है ना, या फिर आप इसको ऐसा मान लो डब्लू एक्स मान लो अच्छा रहेगा, डब्लू एक्स, ठीक है ना। तो डब्लू एक्स हमारा यहाँ से निकल आया, ठीक है, डब्लू एक्स हम लोग निकाल दिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, डेल एल बराबर हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स मतलब गामा इंटू ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए ई। अब यहां से ए कैंसल हो गया है ना, अब क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बच रहा है कि आपके पास बच रहा है एक्स इंटू डी एक्स बाई ई, सो देयर फोर डेल एल इक्वल टू आपको मिल गया गामा एक्स इंटू डी एक्स बाई ई, ये आपके पास आ गया। अब ये कहाँ के लिए आया है, ये पूरा, लेकिन हमारे पास तो पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा वेट लग रहा है, इसलिए इसका आप करिए इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे आप, डेल एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एल, और ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा गामा एक्स डी एक्स बाई ई, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, जीरो से लेके एल तक, तो इट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू एल। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ से, डेल्टा एल इक्वल टू मिलेगा, गामा कांस्टेंट है, यूनिट वेट ई कांस्टेंट है, बाहर चल जाएगा, एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, तो गामा बाई ई बाहर आ गया, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम जीरो टू एल, जीरो टू एल। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो गामा एल स्क्वायर बाई टू ई, तो दिस इज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का सेल्फ वेट के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज गामा एल स्क्वायर बाई टू ई। एक फॉर्म ऐसा हो सकता है वेयर गामा इज द यूनिट वेट, गामा क्या है, गामा यहाँ पर है यूनिट वेट, लेकिन अगर हम लोग यूनिट वेट में नहीं लें, इसका टोटल वेट में लें, तो मान लेते हैं लेट W बराबर टोटल वेट, तो टोटल वेट अगर लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, टोटल वेट लिखेंगे तो गामा इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, आप वॉल्यूम लिखेंगे है ना, गामा इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, सो दिस विल बी एरिया इंटू लेंथ ए इंटू एल, आप ऐसा लिख सकते हैं W इक्वल टू, तो यहाँ से आप गामा क्या निकाल सकते हैं, गामा इक्वल लिख सकते हैं W बाई ए एल, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग इसका वैल्यू को रख देते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा, गामा की जगह आप रख सकते हैं डब्ल्यू बाई ए एल, और पहले से क्या है एल स्क्वायर है बाई टू ई है, तो यहाँ से एक एल कैंसिल हो गया, सो डेल्टा एल इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू ए ई, वेयर डब्ल्यू इज द टोटल वेट, वेयर डब्ल्यू इज द टोटल वेट, डब्ल्यू क्या है टोटल वेट, टोटल वेट के टर्म में आप देखोगे तो ये आंसर मिलेगा, और यूनिट वेट के टर्म में देखोगे तो ये आंसर मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इस पे बेस्ट। मान लेते हैं एक वायर है ए बी और सी, ये हमारे पास एक वायर है, ये 8 मीटर लॉन्ग है, ये भी 8 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 mm स्क्वायर है, ठीक ना, और इसका जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो फिक्स है, ई इक्वल टू यानी सेम मटेरियल है 200 गीगा पास्कल, और टोटल वेट जो है वो टोटल वेट 20 किलो न्यूटन दिया हुआ है। फाइंड डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी एंड सी, आपको पूछा जा रहा है कि आप डिफ्लेक्शन बताइए पॉइंट सी और बी पर, बी और सी पर आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए ये मटेरियल सेम है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लोग करते हैं, कैसे सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ये देखिए पूरा जो है इसका लेंथ दिया हुआ है 16 मीटर और हाफ हाफ में बटा हुआ है 8 मीटर 8 मीटर, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है कैसे पता चला, ई से पता चला, है ना, मटेरियल सेम है हमको कैसे पता चला, तो हम लोगों को मटेरियल सेम पता चला कि ई का वैल्यू जो है वो ई का वैल्यू कांस्टेंट है, है ना, ई का वैल्यू कांस्टेंट है मतलब मटेरियल भी हमारा कांस्टेंट है, है ना। तो अब यहां से देखिए सी पर अगर हम लोग बात करें, सी पर तो सी पर इस वायर का पूरा लोड लग रहा है, है ना, सी पर जो भी होगा वो टोटल डिफ्लेक्शन होगा इस टोटल वेट के कारण, तो डिफ्लेक्शन एट सी डेल्टा एट सी बराबर जाएगा टोटल लोड बाय टोटल टोटल लोड डब्ल्यू एल और इंटू टोटल लेंथ ऑन टू ए ई। अभी लास्ट में हमने फार्मूला बताया, आप देखिए यहाँ पर फार्मूला है आपका, है ना, हमने क्या बताया था देखिए डब्ल्यू टोटल डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या बताया हमने डब्ल्यू एल बाई टू ए ई, टोटल वेट के टर्म में, टोटल वेट के टर्म में क्या है फार्मूला डब्ल्यू एल बाई टू ए ई, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमने क्या लिखा सी पे, सी पर यहाँ पर टोटल वेट का बात हो जाएगा तो किलो न्यूटन, इसको बदल दो न्यूटन में, एल क्या है 16 मीटर है, तो 16 मीटर है तो आपको इसको बदलना पड़ेगा, है ना, एमएम में, क्योंकि यहाँ पर आपका एरिया जो है एमएम स्क्वायर में और ये गीगा पास्कल में है, तो आप इसको मेगा पास्कल में करेंगे तो मेगा पास्कल में करेंगे तो ये 10^3 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड विथ 1000 डिवाइड बाई 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 20 mm इज 200 इंटू 10^3, सो दिस 10^3 कैंसिल हो गया, ये आपका 1000 कैंसिल हो गए, है ना, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया, तो दिस विल बी 40 mm, तो टोटल डिफ्लेक्शन एट सी जो है आपका, टोटल डिफ्लेक्शन एट सी कितना आ गया 40 mm आ गया, 40 mm आ गया, सही है ना, टू ए ई कट के है ना जी, ये 10 है ठीक है, क्यों ना, ये 10^10^3 कट गया, 1000 यहां से कट गया, अब जो है क्या बच रहा है 20 बच रहा है,
ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए है ना, इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन तो नहीं होना चाहिए। देखिए वेट को बदल दिए हम, सब बदल दिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको फिर से कट करके करते हैं ना। देखिए W कितना हो गया 20 किलो न्यूटन, मतलब 10 पे पावर 3 न्यूटन। लेंथ कितने हो गए 16 मीटर × 10^3 mm, ठीक है। लोड कितना दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन दिया हुआ है, सॉरी लोड जो है ना हम लोग गलत लिख रहे हैं, लोड इज गिवन 20 न्यूटन, इसीलिए हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अभी सही आ जाएगा, उसके अनुसार उस लोड के अनुसार तो बहुत ज़्यादा था, 20 न्यूटन × 16 किलो मीटर, तो ये मिलीमीटर में बदल दिया, 2 × 20 × 200 × 10^3, दिस 10^3 कैंसिल हो गया यहाँ से, ये 20 कैंसिल हो गया यहाँ से, 16/400, तो दिस विल बी 4/100, तो दिस इज 0.04 mm। अच्छा एक टू और छूट रहा है क्या, नहीं ठीक है ना, है ठीक है, अब यहाँ पर ठीक हो गया, देखिए अब बोल रहा है बी पे निकालना है ना, तो बी पे कैसे निकालोगे, देखो बी पे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा है ना, एट बी देखिए यहाँ पर, अब पहले यहाँ तक खींच लो बी तक, ठीक है ये ए बी हो गया, अब इनका सेल्फ वेट यहाँ से यहाँ तक ही लेना है आप, ठीक है ना, सिर्फ इसका सेल्फ वेट लेना है, और ये जो है ये इस पर टोटल वेट लगाएगा यहाँ, अब टोटल का वेट कितना है 20 न्यूटन, तो इसका वेट यहाँ 10 न्यूटन लगेगा, एक 10 न्यूटन का वेट यहाँ लग गया, और ये जो बचेगा ना लेंथ 8 मीटर, इसके कारण सेल्फ वेट के कारण होगा, तो डेल्टा एल एट सी बी लिखोगे आप, तो लिखना है क्या, इसके कारण जो डिफ्लेक्शन होगा है ना, तो ये हो गया पी, तो पी एल बाई ए प्लस लिखना है सेल्फ वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण क्या हो जाएगा, इसका जो सेल्फ वेट आएगा, सपोज इसका सेल्फ वेट हमने मान लिया 10 न्यूटन, तो डब्ल्यू वन इंटू एल डिवाइडेड बाई ए टू ए है ना। अब यहां से सॉल्व करोगे तो बी पर आएगा, इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहे थे हम क्योंकि इसमें क्या है, जब एक पॉइंट पे निकालना होगा, यहाँ निकालना होगा तो बहुत आसान है काम, वो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए डब्ल्यू एल बाई टू ए, लेकिन अगर आपको दूसरे किसी पॉइंट पे बोल देता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उसके नीचे का जो भी लोड होगा वो टोटल एक लोड की तरफ हो जाएगा, एक लोड की तरफ हो जाएगा, और उसके ऊपर जो पार्ट होगा वो सेल्फ वेट में आएगा, तो उन दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे तब हमको आंसर मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं।